हेलो गाइस एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल खुशीज लाइफस्टाइल एंड टाइटल से तो आप सब लोग जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो क्या होने वाला है दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल एक्चुअली नॉट मोस्ट सेकंड मोस्ट रिक्वेस्टेड फर्स्ट मोस्ट रिक्वेस्टेड था कि गर्ल्स uh, हॉस्टल का टूर चाहिए बट दैट आई कॉन्ट डू वो बहुत ज्यादा ऐसे प्राइवेसी में घुस जाएंगे सब लोग दोनों लोगों सामने खड़े हंस मुझे देख के आज हमने अपना रूम इतना साफ किया ना इस रूम टूर के लिए स्पेशली वरना हमारा रूम इतना बिखरा रहता है <laughs> सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो वेलकम टू आर रूम सो गाइस दिस इज आयर रूम हम ट्रिपल शेयरिंग में है पलक का बेड ए देन कौशिका देन लास्ट वाला मेरा बेड है सी बेड एंड तीनों बेड के अपनी प्रोजन कौन से हैं फर्स्ट बेड पे सामने गेट है सेकंड पे इतनी तेज लाइट आती है ऊपर से एंड थर्ड वाला पूरा दीवार मतलब बेडशीट बिछाने में बहुत डिफिकल्टी होती है एंड प्लस थोड़े कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं एंड डीआईटी के पास थोड़ा कम पैसा था तो प्लास्टर नहीं कर पाए हम ईटे पत्थर से काम चला लेते हैं सो दिस इज माय एरिया ऑफ द रूम ये मेरा बेड है एंड ये मेरा स्टडी टेबल है एंड दिस इज माय कवर्डिक दिस इज कौशिका बेड जो कि आज पहली बार इतना ज्यादा साफ है एंड दिस इज पर्लक्स बेड हाँ इसका बेड हमेशा साफ रहता है एंड मेरा भी क्लीन रहता है हमेशा कौशिका का बहुत फैला रहता है एंड ये देखिए हमारा ऊपर इतना सारा कबाड़ भरा हुआ है <laughs> <laughs> बेड में भी जगह नहीं है कितना तो सामान रख पाए सब ऊपर रखा रहता है इस मेरे को एक प्लस पॉइंट मिला है कि मेरे जस्ट बेड के सामने मेरा मिरर है जब मैं रूम में पहली बार आई थी ना तो मैं ये चीज़ देख के बहुत खुश हुई थी कि ये एरिया मेरे को बहुत अच्छा मिल गया है वीडियो शूट्स करने के लिए वगैरह एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करते हो तो यू वो नो की मेरी सारी रील पता है मैं विंडो से शूट करती हूँ मतलब मैं विंडो पे रखती हूँ फोन एंड मैं तब सारी रील शूट करती हूँ क्योंकि मतलब हमारी विंडो से बहुत अच्छी सनलाइट आती है एंड इसी रीजन से हमारा रूम बहुत गर्म भी रहता है गर्मियों में बट ठंड में हमारा रूम सबसे ज्यादा अच्छा था लाइक एकदम हाँ एकदम वार्म एंड अभी तो हम विंडो खोले रखते हैं तो काफ़ी ठंडा भी रहता है क्योंकि काफ़ी अच्छी हवाएं आती हैं एंड अभी शाम हो गई है वीडियो शूट में बहुत लेट कर रही हूँ यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है पूरा माउंटेन्स है हमारे सामने बट वो दिख नहीं रहा सॉरी सो so, बात अगर करें स्पेस की तो स्पेस तो अच्छी खासी ठीक ठाक है मतलब <laughs> आराम से लोग चल फिर सकते हैं बट बॉयज हॉस्टेक थोड़ा ज्यादा बड़ा है mm -hmm. बट बड़ उनका उतना नीट एंड क्लीन नहीं है हमारी तरह हमारा काफ़ी अच्छा है सो दिस इज द स्टडी टेबल इसमें ऐसे दो ड्रॉर्स वगैरह हैं ऊपर भी कंपार्टमेंट्स हैं इसमें तो मेरी लाइक बुक्स वगैरह हैं एंड खाने पीने का सामान रहता है मोस्टली ये मेरा आ, क्या बोलते हैं इसको जूस मिक्सचर मैं अभी लाई हूं ग्रीन टी जिन्हें मैंने अभी सिर्फ एक सैशे पिए है मैं बड़ा उससे लाई थी कि पीऊँगी बट मैं इसको मतलब चीजें इसके अंदर रखा आती है ना तो वो रखा ही जाती हैं वो फिर याद नहीं रहती कि आपको यूज़ करना है देन मेरा हॉट वाटर बैग है एंड ऊपर काफ़ी सामान पड़ा हुआ है मेरा लास्ट सेमेस्टर का है ये सब ग्राफिक्स की शीट वगैरह है मैंने रखा है कि अगर मेरे किसी जूनियर को चाहिए होगा बाई चांस मुझे ले सकता है देन ये मैंने एक प्राइज विन किया था ट्रेजर हंट में वो सब है दैन थोड़े बहुत बर्तन वगैरह हैं एंड यहाँ मेरी कार्तिक आर्य के साथ फ़ोटो चिपकी हुई है जब मैं उससे मिली थी देन ये मैंने दो चीज़ें लगा रखी हैं नो एंगर एंड स्टडी हार्ड एंड इस पर लिखा हुआ है नाइन प्लस फोकस नहीं कर रही है नाइन प्लस सी जी पी है जो कि आ चुकी फर्स्ट टाइम में यस yes! एंड ये मेरा पोर्ट्रेट जो मेरे फ्रेंड अक्षय ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था देन यहाँ मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है एंड ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का उसने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं लखनऊ वापस गई थी तो अनु ने मुझे ये गिफ्ट किया था हमारा फोटो फ्रेम तो हमेशा यहाँ पर रहता है देन भगवान जी की मूर्ति है हनुमान चालीसा रखी हुई है एंड ये फ्लार मैं अभी लाई हूँ बाहर से तोड़ के देन मौसी आई थी तो उन्होंने मुझे गुजिया दी थी अभी आई थी वो होली पे तो ये एंड यहाँ मेरा छोटा सा एक डस्टबिन भी है जो कि अभी काफी फुल हो गया इसको मुझे फेंकना है एंड आई हैव दिस पान वाला ये मुझे ये बहुत पसंद है मैं ये दो चीजें बहुत खाती हूँ एक वो खट्टा वाला मावट उसका डिब्बा भी रहता है वो तो मैं बहुत जल्दी खत्म कर देती हूँ एंड ये पान वाला फ्रेशनरी मुझे बहुत पसंद है देन ये बेग सा सिप्पर ये मैं लखनऊ से स्पेशली खरीद कर लाई थी अपने रूम के लिए लाइक आई हैव टू बॉटल्स वन इज दिस वन ये तांबे वाली है ये मैं क्लास वगैरह ले जाती हूँ एंड सेकेंड इज दिस, दिस इसको तो मैं भर के रूम पे रखे रहती हूँ एंड पूरे दिन मैं इसको सिप पता मैंने इसको क्यों लिया आता बिकॉज इट इज सिपर मुझे लिपस्टिक भी लग गई है मुझे बचपन से सिप्पर वाला बॉटल चाहिए था बट मम्मी को भी जलाती नहीं थी बट फाइनली कॉलेज आके मैंने ले लिया अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया देन इसको हम बंद करते हैं एंड दिस इज माई बेड जिस बहुत सारे टॉय्स रखे हैं जिस ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था इसके अंदर पता है क्या है एक्चुअली मम्मा ने क्वेश्चन कवर दिया था जब मैं घर गई थी ना मम्मा सरप्राइज दिया था मुझे क्वेश्चन कवर उसमें पे बहुत प्यारी चीज़ें लिखी हैं टू माई डॉटर एवरी डेट यू आर नॉट विथ मी आई थिंक अबाउट यू आई वंडर वॉट यू आर डूइंग मतलब बहुत प्यारा है ये एंड इसके अंदर ना काव्या का बर्गर है लाइक like उसने मुझे बर्गर वाला पिलो दिया था तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं था तो मैंने इसके ऊपर ही चढ़ा दिया है देन हैव दिस पिग एंड दिस इज माय स्टेलू ये मैंने मसूरी में विन किया था आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा मसूरी वाला तो उसमें यह था देन यहाँ पे मैंने बहुत खाने पीने की चीजें रखी हैं लाइक आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस ये मौसी ने मुझे मखाने भेजे थे दिस इज क्रीम एंड अनियन फ्लेवर वो जो लीज uh, लीज कह रही हूँ जो लेज होता है ना क्रीम एंड अनियन वाला लिटरली सेम फ्लेवर है यार ये बहुत अच्छा है देन पंपकिन सीड्स ये बहुत ज़्यादा तो हेल्दी एंड देन ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा है एंड देन मेरे हेडफोन्स वगैरह हैं एंड गाइज फाइनली हैप्पी बर्थडे इज आउट बट उसके निशान मेरी ज़िंदगी में रह गए हैं <laughs> ये टेप के निशान हैं ये जाए नहीं रहे हैं देन मेरे पास ये है क्लोदिंग वाला इसको मैं कपड़े फैलाती थी बहुत महीने पहले बट अभी धूल बहुत जम गई है इस पर मैंने बहुत महीनों से कपड़े नहीं फैलाए हैं एंड अभी तो हम लोग एक ये वाली लोई हैं क्योंकि अभी उतनी गर्मी आ गई है बट हमारे पास है नहीं सब कुछ घर पेंड तो भी हम घर जाने वाले हैं फर्स्ट ईयर ओवर होने वाला है तब हम सब लेकर आएंगे अपना देन यहाँ पे दो ड्रॉर्स वगैरह भी है, हैं इसमें मेरा सामान रखा हुआ है इसमें काफ़ी स्टेशनरी वगैरह है देन इसमें मेरा लैपटॉप बैग है लाइक वो स्लिप uh, वाला बैग उसमें रखती हूँ मैं अपने लैपटॉप को एंड uh, मेरा मेडिसिन वगैरह इसी में रहता है एंड चार्जर वगैरह भी एंड सबका तीनों का यही सेम है देन वी हैव द कबर्ड ये सबकी तीनों जॉइंट कबर्ड है एंड कपड़ में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं सिर्फ कपड़े कपड़े हैं ये टॉप वाला एरिया है यहाँ पे मैं लाइक मेरा स्किन केयर वगैरह है काफी ज़्यादा देन ये नीचे दो कंपार्टमेंट्स हैं देन इधर स्कूल यूनिफॉर्म टांगी हुई है मैंने स्कूल कह रही हूँ कॉलेज यूनिफॉर्म एंड देन यर आर माई बैग्स एंड ये मेरा फेस टावल है ये भी इधर टंगा हुआ है मेरा नॉर्मल टॉवल यहाँ मैं इसको हटाना ही भूल गया मैंने सोचा था वीडियो से पहले मैं इसको रख दूंगी अंदर एंड ये ये हमारा ये पता कह थी मेरे बूट का डिब्बा है इसको हमने डस्टबिन बना दिया क्योंकि हमारे रूम हमें ना बहुत हम लोग बहुत ऐसे कूड़ा फेंक देते थे यस पलग सा आइडिया तो हमने इसको ऐसे डस्टबिन बना दिया है एंड ये मेरी बकेट है ये नीचे रहती है बाकी दोनों की बकेट ऊपर रहती है एंड यहाँ मैं हूँ सो गाइस दिस इज आर क्यूट सा रूम टूर अभी हम नाइन्थ फ्लोर पर बट हमें ल, लक्की जी कह रही हूँ अगले साल अगले साल नहीं इस साल ही हमें दूसरा फ्लोर मिलेगा क्योंकि मे बी नाइन्थ फ्लोर तो नहीं मिलेगा क्योंकि कोई फ्लोर मिलेगा देन वी आर इन द कॉरिडोर लाइक वो है कॉरिडोर की एंट्री से देखो कितना हॉन्टेड सा लग रहा है वीडियो में ऐसे एकदम देन वो है वहाँ पे लिफ्ट एरिया है उधर से हम आते हैं हमारा नाइन जीरो सिक्स रूम है एंड देन टू रूम्स हैं एंड टू रूम्स के बीच में एक कॉमन वाशरूम है एंड हमारा लक्की क्या है कि हमारे बगल में वाटर डिस्पेंसर है एंड हमारे बगल में ड्रिंकिंग वाटर एरिया है तो लाइक हमें बॉटल फिल्स करने के लिए जैसे लाइक उन लोग को बहुत दूर से आना पड़ता है एंड उधर से भी बहुत दूर से आना पड़ता है गाइज ये है रोशनी का रूम एंड <laughs> तो ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर एरिया वगैरह है तो हमारे मतलब ये हमारा एक प्लस पॉइंट है मेरे जस्ट बगल में, बहुत नहीं And, में है वो चलना ही पड़ता एंड इसको हमें खुद से फिल करके लगाना पड़ता है एंड बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसके नीचे ना फ्रिज भी है तो लाइक इफ़ यू ओपन इट लाइक दिस तो इसके अंदर एक फ्रिज है एंड ये बहुत लोगों को पता नहीं है तो जस्ट यू इन एडवांस देन ये है हमारा वॉशरूम लाइक like, वह वॉशरूम देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई थी जब मैं आई थी यहाँ पे सो दिस इज़ द बड़ा सा मिरर एंड यहाँ वॉश बेसिन है एंड सब तो बहुत ये सब पता खाली है लेकिन कोई नहीं फेंक रहा है सबका पड़ा हुआ है लेकिन ये कौशिका का भी है एक इन, इन दूसरे वाले रूम का भी है और कोई फेंक नहीं रहा है इसको तो ये ना हमारे दो वॉशरूम्स हैं एंड हमारा एक बाथरूम है जिसके लिए बहुत सब लड़ाई होती है नहाने के लिए एंड एकदम तो ये होटल टाइप वॉशरूम है लाइक सब कुछ बहुत अच्छा है लाइक साइज वगैरह पूरा स्पेशियस है हाँ लाइटिंग भी बहुत अच्छी है हमारे वॉशरूम की एंड यहाँ पे ना प्लस सेंसर वाली लाइट्स हैं तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई नहा रहा होता है एंड लाइट्स सेंस से से नहीं कर पाती तो अपने आप ऑफ हो जाती हैं तो हमें ऐसे बाहर जाके ऐसे ऐसे हाथ हिलाना पड़ता है कि प्लीज लाइट ऑन हो जाओ हाँ टैप भी अपने आप बंद हो जाता है लाइक हमें बार बार टैप को ऐसे दबाना पड़ता है कि भाई प्लीज से फिर से पानी दे दो तो। एंड वॉशरूम में तो क्या थी पानी देन वी हैव अ बालकनी यहाँ से सामने हयात है हयात रीजेंसी हमारे एंड देखो अब माउंटेन्स दिख रहे हैं आप पूरे पहाड़ दिख रहे हैं एंड बॉयज हॉस्टल तो बहुत ही दूर है हमारे गर्ल्स हॉस्टल से कोई <laughs> वहां तक हम उड़ के भी नहीं पहुंच पाएंगे एंड दिस इज द बालकनी एंड हमारे कपड़े फैलाने वगैरह का भी एरिया है काफी सही इधर साइड ये लोग फैला देते हैं इस रूम वाले एंड उधर हम फैला देते हैं अपने रूम का मोस्टली हम लोग कपड़े संडेज वगैरह को धुलते वरना तो मेरी लॉन्ड्री आती है एंड हॉस्टल में एक और चीज है लाइक हमारा फर्स्ट ईयरस का मंडे एंड थर्सडे लॉन्ड्री आती है एंड सेकेंड थर्ड ईयर का आई डोंट नो मैं मुझे फर्स्ट ईयर का पता है मैं फर्स्ट ईयर की हूँ सो so, हमारी मंडे को लॉन्ड्री आती है एंड फाइव क्लोथ्स आर अलाउड हमें पांच कपड़े देने होते हैं एंड प्लस उसमें हमें अपना स्लिप देना होता है कि हम क्या क्या दे रहे हैं तो हमें वो लिखना होता है लाइक वन ब्लैक ट्राउजर वन पिंक शर्ट ऐसा हमें लिखना पड़ता है एंड मंडे को देते हैं फिर थर्सडे को आता है वो कपड़ा एंड थर्सडे को फिर देते हैं तो वो मंडे को आता है लाइक दैट एंड मतलब यहाँ की काफ़ी अच्छी चीज़ें है कि लोग फेस्टिवल्स पे भी छुट्टी नहीं लेते हैं लाइक like, लॉन्ड्री वाले भैया होली के दिन भी आए थे एंड ईद के दिन भी वो आए थे लाइक इम्प्रेसिव एंड लॉन्ड्री में अगर हम चाहें तो अपने शूज वगैरह भी दे सकते हैं अगर आपको देना है वैसे मैंने कभी दिया नहीं है बट काफी बच्चों ने दिया है ऐसा कुछ खराब वो भी नहीं है कपड़े भी ये लोग सही धुलते हैं एक स्टार्टिंग में अगर तुम आओगे तो हमें लगता था कि कहाँ अच्छा नहीं है कुछ भी स्टार्टिंग में लगता था कि अच्छा नहीं है स्मेल नहीं आ रही वो घर वाला होता है ना कि ऐसे कपड़े महकते हैं बहुत अच्छे है। तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी बट धीमे धीमे यू विल एडजस्ट टू इट की अच्छी स्मेल आ तो रही है अच्छा से अच्छे से है साफ है एंड प्लस की वो लोग पूरा अच्छे से आयरन करके देते हैं कपड़ों को तो दैट इज गुड एंड हाँ जब फर्स्ट इज अगर फर्स्ट जो आने वाले डेइटी वो देख रहे हैं तो अगर तुम तुम लोग जब आओगे ना तो मे बी लाइक uh, like, uh, तुम लोग uh, जुलाई के एंड में आओगे जब अगस्त के टाइम पे तो यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगती है सितंबर से ठंडी होने लगती है हल्की हल्की हाँ बारिश गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट अम्ब्रेला देहरादून हाँ प्लास्टिक वाले शूज देहरादून का मौसम इतना ज्यादा मूडी है अनप्रिडिक्टेबल लिटरी लिटरली यहाँ पे कभी भी बारिश कभी भी धूप कभी भी तूफान कभी भी कुछ भी हो जाता है हाँ एंड पहले दो महीने लिटरली यहाँ पे सिर्फ बारिश और मुझे बारिश से इतनी नफरत होती है ना इतनी गंदगी हो जाती है पूरे जूते वूते सब गंदे एंड फर्स्ट ईयर इसकी ना क्लास भी बहुत दूर लगती है लाइक एकदम एंड में लगती है हम आ, यहाँ पे ना ऐसे पांच छह बिल्डिंग है आई थिंक मैं कैंपस टूर भी जल्दी कर दूंगी <laughs> वैसे कैंपस टूर बहुत लोगों ने कर दिया है तो इफ यू वांट यू कैन सर्च एंड देख सकते हो वहां पे जाके सो so, मैंने बाकी चीजें बता दी सो गाइस ऑल एंड ओवर हमारा हॉस्टल काफी अच्छा है एंड आप पे मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कोर्ट्स वगैरह भी हैं लाइक बास्केटबॉल कोर्ट है बैडमिंटन कोर्ट है देन वी हैव अ जिम आल्सो लाइक यहां मुझे फ्री मेंबरशिप मिली है जिम की तब भी मैं जिम जा रही है लखनऊ में पैसे दे के गई हूँ जिम यहाँ पे मुझे फ्री मिला है लेकिन तब भी आलस के चक्कर में मैं जाती नहीं हूँ देन हमारा मैच भी बहुत अच्छा है लाइक बॉयज का मैस काफी बदसूर का टाइप का है बट हमारा मैच बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड हमारा टेक्स्टर भी काफ़ी सुंदर है सो ऑल एंड ओवर हॉस्टल इज गुड बट प्रेफर की नाइन्थ एथ फ्लोर मत लो क्योंकि काफ़ी गर्मी हो जाएगी यहाँ पे बट एक हर चीज का ना अपना एक प्रोजन कौन से प्रोज ये है कि विंटर में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि विंटर में मैं रूम बहुत गर्म रहता था बहुत मजा आती थी, थी हमें हीटर की नींद नहीं होती थी बहुत बच्चे हीटर लगते थे चुपके से बट हमें नींद नहीं होती थी क्योंकि काफी सही था एंड हाँ मैं बता रही थी कि आप जब फर्स्ट इज आएंगे ना तो शायद हो सकता है कि गर्म पानी ना मिले कभी कभी ऐसा होता है कि गर्म पानी नहीं मिलता बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ सोलर हीटर्स हैं तो सोलर गीजर्स हैं तो वो कभी कभी काम नहीं करते हैं तो ठंडे पानी से भी नहाना पड़ता है मजबूरियाँ थोड़ी बहुत होती हैं एंड अभी क्या हो रहा है अभी इतनी गर्मी है बट ठंडा पानी नहीं आ रहा हमें गर्मी में भी गर्म पानी से नहाना पड़ रहा है ऐसा हो रखा है एंड सुबह गर्मी रहती है एंड रात में यहाँ पे टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है लाइक फोर्टीन डिग्रीज एंड सुबह थर्टी एट डिग्रीज यहाँ पे इतना ड्रास्टिक चेंज होता रहता है तो बी रेडी फॉर दैट सो या दैट वॉज इट फॉर माई रूम टूर एंड आई होप यू लाइक इट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड था एंड डी आई टी एंस इफ़ यू आर कमिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिलो डी आई टी एन्स कैर यू कोई भी अगर नया बंदा आ रहा है इस कॉलेज में देन सब्सक्राइब टू तो मै चैनल बिलो क्योंकि मैं और इसके बाद मैं डीआईटी का रिव्यू डालने वालू विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा उसमें पॉइंट्स होंगे लाइक क्या अच्छाई है क्या बुराई है क्योंकि आई थिंक बुराइयों बुरा का बेटे थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं उसे सो <laughs> so, सब कुछ तो बताऊंगी उसमें कि प्लेसमेंट्स वगैरह कैसी हैं मैं क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ तो मैं ज्यादा अच्छा बता सकती हूँ क्योंकि मैं अपने अराउंड चीजें देखती हूँ वो लोग जो रिव्यू देते हैं Uh, जो डीआईटी के बेसिस पे ऐसे गूगल uh, पे देख के देते ना दैट उस पर विश्वास ना करो तो अच्छा है क्योंकि हम भी उसी को देख के आए थे <laughs> उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था <laughs> यहां पे आके आपको असलियत पता चलती है जब आप उस चीज में रहते हो सो यार आईज इफ यू इफ यू लाइक द वीडियो डो नॉट फरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो बाय बाय